हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमें एक क्वेश्चन लाया है। यहाँ पर दिया गया है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 3 की पावर 1 प्लस एक्स, देन एफ एक्स एफ वाई एफ जेड वैल्यू। हमें एफ एक्स एफ वाई एफ जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 3 के पावर 1 प्लस एक्स। तो एफ वाई क्या हो जाएगा? एफ वाई हो जाएगा 3 के पावर 1 प्लस वाई। ओके, और एफ जेड बराबर हो जाएगा 3 के पावर 1 प्लस जेड। ठीक है, अब देखो तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई इंटू एफ जेड। तो क्या हो जाएगा? 3 के पावर 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 3 के पावर 1 प्लस वाई मल्टीप्लाई 3 के पावर 1 प्लस जेड मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए बेस सबका बराबर है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3 के पावर 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस वाई प्लस 1 प्लस जेड। तो हो जाएगा 3 हो गया 1 2 3, तो 3 हो जाएगा प्लस एक्स वाई जेड हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको एक रूप में और बदल देते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1 प्लस 2 प्लस एक्स वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं। अब देखिए, हम इससे टैली कराते हैं, देखिए यहाँ पर एफ एक्स बराबर था 3 के पावर 1 प्लस एक्स, यहाँ पर दिया गया है 3 के पावर 1 प्लस 2 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये चीज़ एफ एक्स के बराबर था, तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स की जगह एफ 2 प्लस एक्स वाई प्लस जेड, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, टू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है।